नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो दिनांक 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ घनश्याम शर्मा। इस कक्षा की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कक्षा अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न आज का हमारा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन वायुसेना मेडल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है? तो दोस्तों, दीपिका मिश्रा वो पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं जिनको पहली बार वीरता पुरस्कार वायुसेना मेडल के रूप में सम्मानित किया गया और वो ऐसी पहली महिला बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजस्थान के कोटा से हैं। तो राजस्थान को ये एक अनोखी उपलब्धि हासिल हुई है कि हमारे यहाँ की एक फ्लाइंग ऑफिसर जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कोटा की ये बेटी हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। इनको मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान 47 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने की वजह से एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी द्वारा 20 अप्रैल को सम्मानित किया गया। दीपिका मिश्रा साल 2006 में भारतीय वायुसेना की कोटा से पहली महिला फ्लाइंग अफसर बनी थी और वे सारंग टीम की भी पहली महिला अफसर रही हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न किसको बोला गया है? बाजरे को। तो बाजरे का नया नाम है श्री अन्न। श्री अन्न महोत्सव श्रृंखला के अंग के रूप में राजस्थान के जोधपुर जिले में 2 दिवसीय मिलेट मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में किया गया भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और ये जो कार्यक्रम है ये जोधपुर के ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में, वहां पर आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है उसके सभी हितधारक जो हैं, जितने भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के मालिक हो, या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स और जो भी एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन सभी को एक मंच पर ला करके और उनको इस क्षेत्र में आगे काम करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में ज्वार और बाजरा जो कि हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें हैं उन पर आधारित खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस जंक्शन पर इकोनॉमिक सर्वे जो कि आपके आरएस और एसआई दोनों ही परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में, उसको हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज पीडीएफ, एमसीक्यू टेस्ट और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के साथ के। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही है चैप्टर वाइज। आप आज इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और शुरुआती 20 छात्रों को इस कोड के साथ में मिल रहा है 20% डिस्काउंट भी। तो आज इस डिस्काउंट को अपने लिए बुक करें क्योंकि बाद में आपको ये नहीं मिलेगा। तो जो छूट आपको मिल रही है उसका लाभ जरूर उठाएं। हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 में राजस्थान के अंदर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, दूध वाले या जो ठेले का प्रयोग करने वाले लोग थे उनको 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना की अंतिम तिथि थी 31 मार्च 2023, जिसको अब बढ़ा दिया गया है और अब ये एक साल आगे अर्थात 31 मार्च 2024 तक इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा। तो आयु सीमा भी पहले 40 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है और अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2024 किया गया है। योजना में 50,000 का ऋण मिलता है। किन को देते हैं? गली मोहल्ले में फेरी चलाने वालों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस लगातार अपने आधुनिकीकरण में काम कर रही है और इसी क्रम में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर राजस्थान में 500 नई मोबाइल यूनिट्स के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और 2 अन्य कांस्टेबल होंगे। तो ये 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर, जैसे 108 एम्बुलेंस तुरंत जाती है और आपको सहयोग प्रदान करती है, उसी क्रम में ये काम करेंगी। 500 वाहन सर्विस मॉडल पर इसमें लिए जाएंगे और इनको अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। 100 और 112 नंबर, ठीक है? तो ये याद रखना, 100 और 112 इन दो नंबर पर डायल करने पर इनकी सेवा मिलेगी। अप्रैल 2023 में स्पेसएक्स के कौन से रॉकेट का असफल प्रक्षेपण हुआ है? तो हाल ही में स्टारशिप नामक रॉकेट जो है उसका असफल प्रक्षेपण हुआ, जो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के नष्ट हो गया। दरअसल एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा अंतर्ग्रहीय और अंतराग्रहीय यात्रा, मतलब पृथ्वी पर ही एक स्थान से अंतरिक्ष से होकर के दूसरे स्थान तक की यात्रा और पृथ्वी से अन्य ग्रहों जैसे कि चंद्रमा,
या फिर मार्स, ठीक है, इन ग्रहों तक की यात्रा के लिए स्टारशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत रॉकेट के माध्यम से रीयूजेबल स्टारशिप जो है उसको लॉन्च किया जाता है, जो कि बाद में सफल लैंडिंग करने में सक्षम होता है। तो दो चरण का ये यान है, सुपर हेवी स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का पहला चरण है, जिसमें 33 रैप्टर इंजन द्वारा संचालित सुपर हेवी एक दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला रॉकेट है, जिसके द्वारा लॉन्च किया जाता है स्टारशिप अंतरिक्ष यान को। ये यान अलग होने के बाद में, जो सुपर हेवी जो रॉकेट है उससे अलग होने के बाद में आगे जाता है और फिर ये आगे लैंड करने में सक्षम है, जिस तरह से हमारा नॉर्मल फ्लाइट लैंड करता है उसी तरह से लैंड करने में ये सक्षम है। तो ये दो चरणों का यान था, लेकिन अब इसका पहला जो है जो इसका प्रक्षेपण है ये असफल तो हो गया है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, दोस्तों भारत ने दुनिया को बुद्ध धर्म के अंतर्गत शांति जो है वो प्रदान की है, और इसी क्रम में एक सम्मेलन का आयोजन हाल में नई दिल्ली में किया गया 20 और 21 अप्रैल को। तो दो दिवसीय बौद्ध सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत नई दिल्ली घोषणा के साथ इसको पूरा किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान था सार्वभौमिक मूल्य जो हैं शांति से जुड़े हुए और आंतरिककरण के तरीकों और एक साथ काम करने के तरीकों को खोजने के लिए हमारे विश्व की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनके लिए एक स्थायी समाधान पेश करने पर इसमें चर्चा की गई है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 22 अप्रैल 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के कौन से चरण का शुभारंभ किया? तो पांचवा चरण शुरू किया गया है दोस्तों उड़ान योजना का, उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना शुरू की गई थी ताकि रीजनल एयर कनेक्टिविटी हम बढ़ा सकें। तो हमारे जो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं उनको, जो पुराने हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, उनको डेवलप करना और कुछ नए दूर दराज के क्षेत्रों में एयरपोर्ट विकसित करने पर ये काम कर रहा है। इसे 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था और आज देश में काफ़ी बड़ी मात्रा में एयर सर्विस हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। उड़ान के इस चरण में श्रेणी 2 और श्रेणी 3 की जो यात्राएं और फ्लाइट्स हैं उन पर जो है फोकस किया जाएगा। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से इसके अंतर्गत जो कंपनियां हैं उनको सहूलियत प्रदान की जाती है और अधिकतम न्यूनतम बोली लगाने वाली एयरलाइन को इसमें ये सुविधाएँ दी जाती हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।